साईं, आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं तो ईश्वर को अभी देख सकता हूं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी मासूमियत में, वो हम सब में है। तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि उसे कैसे देख सकते हैं। उसे देखने का तरीका क्या है? लेकिन साईं, मैं उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे कि इस समय मैं आपको देख रहा हूं, साक्षात। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं लोगों से झूठे वादे नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भगवान को देखना हम जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए तुम कहोगे कि तुम ईश्वर को दिखा सकते हो। ऐसी ही बातों से तुमने अप्पा महलसापति और बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचा है। जैसे अभी अभी तुमने मेरे वर्षों के शिष्य दामोदर को। तुम्हारी बात सुनकर उसी क्षणों में वो मुझे भूल गया, क्योंकि इसे लगता है कि मैं इसे ईश्वर नहीं दिखा सकता, तुम दिखा दोगे इसे। ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं आप ही का शिष्य हूं। मुझे लगता है कि ये मुझे ईश्वर के दर्शन करा पाएंगे। अल्लाह मालिक, नर्मदा वो पूजन की थाली तैयार कर दी तुमने? हाँ वहिनी। वहिनी, आज बहुत देर तक सो रहे हैं कुलकर्णी सरकार। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को सोने से पहले उन्होंने काढ़ा पिया था, शायद उसी के प्रभाव से अभी तक जागी नहीं है। कुलकर्णी सरकार का मानना है कि धूली की राख सेहत के लिए हानिकारक है और एक दिन उससे किसी न किसी को कुछ हो जाएगा, और उससे तो लोगों को लाभ हो रहा है। सुनाई नहीं देता तुम्हें? कहाँ पे हो? कहाँ ध्यान? जाओ, जाकर औषधि वाले कमरे में दवाई की पेटी के पास काढ़ा रखा है, लेकर आओ, जल्दी जाओ। <नहीं। laughs>
लीजिए। ये लीजिए काढ़ा। ये काढ़ा पी लीजिए। पिछले दो दिन से आप यही काढ़ा पिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं इस काढ़े की वजह से आपकी खांसी तो नहीं बढ़ती जा रही। चुप बैठा। हरिओम हरिओम। अब तो समझाएगी मुझे मेरे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। आजकल सब बनने चले हैं वैद्य और वो औषधि है कोई चमत्कार नहीं जिसे पी लिया और ठीक हो गया मैं। ऐसी खांसी ठीक होने में समय लगता है समझी। जाओ। स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। स्वामी जी मेरी बात तो सुनिए। स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी सपने में भी आपका अनादर नहीं कर सकता। स्वामी सपने में भी आपका अनादर नहीं कर सकता। अपने गुरु पर अविश्वास करना इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। तुम्हें यही लगता है ना मैं तुमसे असत्य कहता हूं और वो साईं तुमको भगवान के दर्शन करा देगा। तो जाओ उसी के पास जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें श्री कृष्णा के साक्षात दर्शन करा दे उस स्वर्गामाई में। ना तुमको हमारी जरूरत है और ना हमें तुम्हारी। नहीं गुरु जी ऐसा मत कहिए। गुरु जी मैं आपका शिष्य हूं और जिस शिष्य का परित्याग गुरु कर दे उसे तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। यही कहते थे ना आप। हाँ यही कहता था मैं और ये भी कहता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। पर तुमने तो उस साई का चयन कर लिया अब वो तुम्हारा गुरु हो गया। तो जाओ उसके पास जाओ। नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि श्रद्धा में शक्ति है। भगवान के दर्शन पाने के लिए मैंने शास्त्रों को कंठस्थ करने की कोशिश की मंत्र याद करने की कोशिश की परंतु नहीं कर पाया। लेकिन साई की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रद्धा ही वो एकमात्र स्रोत है जिससे कि मैं ईश्वर के दर्शन पा सकता हूं। हाँ तो जाओ उस जंगल में श्रद्धा और सुब्रे के साथ उस ईश्वर को पुकारते रहो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यही कहा था ना उस साई ने। जाओ और पुकारो ईश्वर को। जब दर्शन हो जाए तो मुझे आके बता देना अगर नहीं तो दोबारा यहां मत आना। समझ गए। जाओ। चारों धामों की यात्रा की हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाया लेकिन कभी भी मुझे ईश्वर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। और एक ढोंगी ने क्या कह दिया इसे लगने लगा कि इसे ईश्वर दिखाई देंगे। ठोकर लगने के बाद ही कुछ लोगों की अकल ठिकाने आती है। बड़ी कृपा है तुम्हारी साईं। आपकी दी उदी से तो मेरा जोड़ों का दर्द ही गायब हो गया।
सच में बड़ी चमत्कारी है उदी। तुमने उपचार में विश्वास किया, ये विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। साई, क्या आपकी उदी से मेरी बेटी भी सुंदर हो सकती है? साई, साई, हमने इसके लिए बहुत लड़के देखे, किसी लड़के ने भी इसे देख के हाँ नहीं की। मुझे लगता है कि काश ये थोड़ा सा सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। इधर आओ। क्या तुम भी अपने बारे में यही सोचती हो जो तुम्हारी माँ सोचती है? लोगों का चेहरा ही आईना है मेरे लिए साई। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरा सुंदर ना होना मुझसे ज्यादा मेरे आई बाबा की चिंता बन गई है साई। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गुण है जिससे तुम्हारे आई बाबा को खुशी मिलती हो? है ना, मैं अपने भाई बहनों में पढ़ाई में सबसे तेज हूँ। बाबा के व्यवसाय का सारा हिसाब किताब मैं ही देखती हूँ। बहुत विश्वास है उन्हें मुझ पर। रंगोली तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ कि पड़ोसी मुझे अपने घर ले जाते हैं रंगोली बनाने के लिए। पहले दर्शनदारी, फिर गुण विचारी। गुण कौन देखता है साई, सब रूप देखते हैं। गुण ना भी होता तो अच्छा था। अगर ईश्वर ने इसको रूप दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। तुमने तोते और कौवे की कहानी सुनी है? जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो उसने सबको एक समान बनाया था। पशु पक्षी सब एक जैसे दिखते थे। तोते और कौवे का रूप एक जैसा ही था। एक दिन तोता और कौवा भगवान के पास गए। तोते ने भगवान से कहा कि मैं सुंदर दिखना चाहता हूं। पर कौवे ने कहा कि अगर आपने मुझे काला बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। भगवान ने तोते की बात मान ली। उसे सुंदर हरा रंग, लाल चोंच, गोल चमकीली आंखें, सुंदर गोल लंबी गर्दन और मीठी आवाज देकर उसे खूबसूरत बना दिया। फिर क्या हुआ साईं? होना क्या था, तोता आज पिंजरे में कैद है और कौवा खुले आसमान में उड़ रहा है। भाई, बच्चों में आत्मविश्वास का बीजारोपण माता पिता के द्वारा ही होता है। सुंदरता की परिभाषा जब तुम्हारे मन में सही होगी तभी इस बच्ची को सुंदरता का सही अर्थ समझ में आएगा। सुंदरता ये बाहरी रूप नहीं, सुंदरता तो मनुष्य के गुण है। इसके गुणों को पहचानो भाई, उन पर गर्व करो। जिस दिन इसे तुम्हारा विश्वास मिल गया, जिस दिन इसे तुम्हारे चेहरे में अपनी सुंदरता नजर आ गई, उस दिन इसे भी अपनी सुंदरता पर विश्वास हो जाएगा और तब इसे ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो इसके स्वभाव से, इसकी आत्मा से,
के कणों से प्रेम करेगा। और वही अच्छा और सच्चा जीवन साथी होगा। राम जी भला करें। गुरु जी ने अगर मुझे जंगल भेजा है तो अकारण नहीं भेजा होगा। उनकी डांट फटकार में भी सीख होती है, हो ना हो आज मेरे बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। कण में भगवान है, जब भगवान सभी जगह है तो मुझे भय किसका? वो मेरी रक्षा करेंगे। मुझे दर्शन दो भगवान, दर्शन दो मुझे, मुझे दर्शन दो भगवान, दर्शन दो मुझे, मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो भगवान। चिंता मत करो भामा, हम सब मिलकर ना सब ठीक कर देंगे। हाँ, शुरू करते हैं। अध्यापक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे मिलकर विद्यालय को पहले जैसा बनाएंगे। ओ, सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबराए मनवा तेरा बज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओ साईयो साईयो, इन्हें अपने घर में स्थान दो, जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे सब मंगल ही होगा। अपना काम पूरा कर लिया। श्यामा, अब ये विद्यालय किसी की दया का मोहताज नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है इस पर। अब ना कोई इसे तोड़ सकता है, ना बंद कर सकता है, और ना ही कोई तुम्हें यहां से निकाल सकता है। सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। भामा काकी, आज शुभ दिन है, हम लोग रंगोली बनाएं। केशव कितनी अच्छी रंगोली बनाता था ना। मुझे उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। वो ना ही हमारे साथ खेलता है और ना ही हमारे साथ पढ़ता है। पिताजी की तबीयत अभी वैसे ही खराब है, मतलब वो बाहर नहीं आए होंगे, उन्हें पता नहीं चला होगा कि मैं बाहर गया था। <laughs>
केशव तुमसे कितनी बार कहा है कि बोल के पढ़ा कर, ताकि मुझे ज्ञात तो होता रहे कि तू पढ़ाई कर रहा है। सुबह से एक शब्द भी नहीं सुनाई दिया मुझे। अब से बोलकर पढ़ूंगा पिताजी। छः एकम छः, छः दूनी बारह, छः तिया अठारह, छः चौका चौबीस। सुनाई तो तब देता जब तुम यहां पढ़ रहे होते। तुम तो बाहर थे ना, पाठशाला के पास। आप लोग किसकी बात कर रहे? मैं पाठशाला के पास नहीं था। आप लोग ने किसी और को देखा होगा। अच्छा, ठीक है अंता जी, हम सरकार के पास ही जाते हैं, वही हमारा संदेह दूर कर देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करना उन्हें अच्छी तरह से आता है। चलिए चलिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए। तो सच बताओ, तुम पाठशाला गए थे या नहीं? क्या हुआ केशव? थे आप लोग इससे? कुछ नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि कुलकर्णी सरकार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। तो क्या हुआ? हम दोनों है ना सब पे नजर रखने के लिए। क्यों बंता जी? जी बंता जी, तो गांव में जाइए ना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। और सरकार आज आराम करेंगे, आप लोग चले जाइए। डरा रहे थे वो लोग तुम्हें केशव? ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस तरीके से खुद को डराने मत दो। क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? जब भी तुम्हें डर लगे तो साई को याद करो, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, लेकिन मैं भक्त हूं तुम्हारा। क्या तुम मुझे नरसिंह नहीं दोगे? मैं सच्चे मन से याद कर रहा हूं तुम्हें, पुकार रहा हूं तुम्हें। क्या तुम एक भक्त की पुकार पर नहीं आओगे? भगवान मुझे दर्शन दो, दर्शन दो भगवान मुझे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ये रोशनी कैसी? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। प्रकाश है प्रभु, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं भगवान। जीवन में प्रत्येक अनुभव का एक समय होता है, और जब तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो है।
पर सबरी नहीं। सबरी क्या है ये तुम्हें तुम्हारे गुरु जी सिखाएंगे। उनकी सेवा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। उनकी सेवा ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगी। साई? क्या वो साई थे? लेकिन वो आवाज तो उस रोशनी से आ रही थी, तो क्या वो भगवान की आवाज थी? गुरुजी, मुझे मिल गए वो गुरुजी, मैंने उन्हें ढूंढ लिया गुरुजी। ये आप ही के कारण संभव हुआ है गुरुजी, आप ही ने मुझे जंगल भेजा था। तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए हैं। भगवान ने तुमसे बातें की? मैंने उस प्रकाश में साईं को भी देखा था। साईं? कुलकर्णी सही कह रहा था, उसकी एक एक बात सिद्ध साबित हो रही है। काला जादू करता है वो, मैं आज रात उसे देख लेता हूं। उस आवाज ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने गुरुजी की सेवा करनी है, उनसे सबरी सीखनी है, लेकिन ये तो मुझसे गुस्सा होकर चले गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने देखा वो साईं का रचा हुआ भ्रम था? नहीं, ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से वो रोशनी देखी, मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी, किस पर यकीन करूं? साईं पे, खुद पे या फिर गुरु जी को? भला यहां कैसे कोई रह सकता है? आपको नारायण समझता है तो अपनी सीमा में रहो। तुमने मेरे सारे भक्तों को छीन लिया है। अब तुम मेरे उस शिष्य को छीनना चाहते हो जिसको मैंने दीक्षा दी है। तुम्हारी दुष्टता देखकर तरस आ रहा है मुझे तुम पर, हैरानी हो रही तुम्हारी नादानी पर। देखो तुम, जिस पर तुमने अपना पैर रखा है वो कोई साधारण फूल नहीं है, कमल है वो, कमल, विष्णु भगवान का सबसे प्रिय फूल। विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया जाता है ये। क्या तुम्हारे पास इतनी भी समझ नहीं है? क्षमा चाहता हूं, पता नहीं कौन रख गया मेरे पैर के नीचे। मैं अस्वस्थ हूं, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं इन्हें उठा भी नहीं पा रहा हूं। तो क्या तुम कमल के फूल पर पैर रखकर ऐसे ही पड़े रहोगे? द्वारका माई कहते हो इसे, क्या तुम इतना भी नहीं जानते ये कमल का फूल केवल विष्णु जी के पैरों के नीचे होता है जिसपे लक्ष्मी जी विराजमान रहती है? मैंने कहा तो, मैं लाचार हूं।
अगर यहाँ कोई होता तो मैं उसे अपने पैर हटाने के लिए जरूर कह देता।